अगर से आप वृंदावन एक दिन में घूमना चाहते हो तो वीडियो को सेव कर लो, बताता हूँ। वृंदावन में सभी मंदिर एक दूसरे के काफी आसपास है, तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी से करें। बांके बिहारी जी के दर्शन में आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद आप सीधे राधा वल्लभ मंदिर की ओर जाएं। उसके बाद वृंदावन की गलियों में थोड़े चटपटे खाने का भी मजे जरूर लेना। इसके बाद आप सीधे निधिवन जाएं, क्योंकि वृंदावन में निधिवन को छोड़कर बाकी सारे मंदिर दोपहर में बंद रहते हैं। निधिवन के बाद आप सीधे राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए चले जाओ। राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद आप सीधे इंडिया के सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल में भी जा सकते हैं। और इसके बाद आप सीधे प्रेम मंदिर चले जाओ, और प्रेम मंदिर के शाम का लाइट शो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो कुछ इस तरीके से आप वृंदावन में एक दिन के अंदर पूरे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अगर से वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलना।